हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सायर से और आज हम बना रहे हैं छेने के रसगुल्ले। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें अब शुरू करेंगे। ये मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच नींबू का रस ले लिया है और इसमें 2 चम्मच पानी मिला लिया है और इसको हम दूध में डाल देंगे और इसको दूध को धीरे धीरे चला लेंगे और इससे क्या होगा, हमारा दूध फटना शुरू हो जाएगा और हमें जो छेना चाहिए वो इसमें, ये देखो छेना निकलना शुरू हो गया है और इस तरह से चलाते हुए पूरा छेना अलग हो जाएगा। अब हम एक बर्तन में स्टेन रख के और उसके ऊपर एक साफ कॉटन क्लॉथ रख देंगे और इसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये जो पानी निकल रहा है नीचे, इसे हम किसी भी तरी वाली सब्जी में यूज कर लेंगे या आटा गूंथने के काम में ले लेंगे। इस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा छेना निकल आया है, बहुत अच्छे से बहुत सारा छेना प्रॉपर हमारा निकल गया है। इस पानी को हम अलग रख देंगे, ये हमें यूज करना है। अब हम एक बार इसको छेने को और अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये इसमें जो नींबू हमने यूज किया था तो उसका जो खट्टापन रहता है वो हमें सारा अलग करना है। तो इसको छेने को अच्छे से हम किसी स्पून से चलाते हुए और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें छेने का पूरा खट्टापन निकालना है तो हम इसे एक दो बार अच्छे से वॉश करेंगे। और ये जो अब पानी निकला है हम इसे फेंक देंगे, इसे हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह से मैं इसको एक बार और वॉश कर लूंगी। हमारे जो रसगुल्ले बनेंगे उसमें थोड़ा सा भी खट्टापन नहीं आना चाहिए तो मैं ये उसके लिए कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से हाथ से निचोड़ते हुए सारा इसका पानी अलग कर लेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए पूरा इसका जो पानी है वो निकाल देंगे और इसके लिए कुछ भारी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे और ये 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी जिससे कि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। अब 1 घंटा हो गया है तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखो बहुत अच्छे से हमें ये पूरा एक छेने का रोल मिल गया है। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में लेंगे और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। तो ये जो हथेली होती है, हथेली से हमें इसको धीरे धीरे सॉफ्टली मलना है और इसका बहुत स्मूथ छेना कर लेंगे हम इसे हथेली से करते हुए। इतने हम छेना का अभी हमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इतने हम चाशनी रख देते हैं बनने। एक बर्तन में 1 गिलास ही मैंने चीनी ले ली है, आप किसी भी कप से या मग से ले सकते हैं आपके। और 1 गिलास ही चीनी के लिए मैंने 4 गिलास इसमें उसी बर्तन से जिसमें 1 गिलास ही चीनी ली थी उसी से 4 गिलास ही पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसे चाशनी को हम बनने के लिए रख देते हैं। चाशनी में थोड़ा टाइम लगेगा, इतने हम छेने को स्मूथ करेंगे। छेने को स्मूथ करने में करीब 10 से 12 मिनट तक लगेंगे। चाशनी का अगर हमें छोटा बर्तन लग रहा है, जैसे मुझे लगा कि इसमें रसगुल्ले नहीं फूल पाएंगे तो हम इसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है जिससे कि हमारी चाशनी में रसगुल्ले बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर बन जाए। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से स्मूथली, ये जो हमारा पनीर है छेना है, इसे बहुत स्मूथली इसे हाथ से मसलते हुए बहुत ही एक चिकना सा कर लेंगे। अब हम इसको उठा के देखते हैं कि हमारी एक बॉल अच्छे से बन रही है। अब ये देखो बहुत अच्छे से बॉल बन रही है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच या तो अरारोट मिला लेंगे या मैदा या कॉर्नफ्लोर। मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया है।
मतलब हम इसका रेशियो ऐसे ही रखेंगे कि 1 किलो दूध का जो छेना है उसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर मिलाना है, जो भी आप मिला रहे हैं वो 1 स्पून रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका बहुत हल्का सा ये छेना पूरा हो जाएगा, तब तक हमें बहुत अच्छे से चिकना करना है इसको हथेली से। अब ये हमारा बहुत अच्छा सा चिकना सा एक डो बन गया है, तो हम इसकी बॉल बना के देख लेंगे। ये स्मूथली बॉल बन रही है छेने की। और ये देखो बॉल ना बहुत अच्छे से स्मूथली बन जाए, क्रैक नहीं होनी चाहिए, क्रैक होगी तो जब हम चाशनी में डालेंगे तो वो फट जाएगी, तो एक भी बॉल हमारी क्रैक नहीं होनी चाहिए। ये देखो जब हम चिकना करते हैं ना बहुत अच्छे से बॉल बन जाती है। और ये 1 किलो फुल क्रीम में मेरे 16 बॉल बन गई हैं। तो अभी हम इसको चाशनी को मैं स्लो पे कर रही थी, अभी मैं इसको एक बार फुल पे कर लेती हूँ। ये देखो फुल पे होने के बाद जब ये बबल्स आ रहे हैं ना, पूरा जो बॉइल हो रहा है, जब ये बॉइल होना शुरू हो जाएगा, ये बबल्स आएंगे, उसके बाद ही हम इस बॉल को डालेंगे और इसको थोड़ा अलग अलग करके डालेंगे, थोड़ा रुक रुक के। ये एक एक दो दो सेकंड के अंतर पे हम इन बॉल को डालेंगे। और ये हमने अब बड़ा बर्तन ले लिया है तो इसमें बहुत अच्छे से सब अच्छे से फूल जाएंगी, तो एक एक करके हम धीरे धीरे इन सारी बॉल्स को डाल देंगे। और ये देखो बॉल कितनी अच्छी बनी है, ये कोई भी क्रैक नहीं हुई है, फूटी नहीं है इसमें, तो ये बहुत अच्छे से हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें 5 से 7 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे और ये बबल्स आते रहने चाहिए पानी में जो आ रहे हैं शुगर की। ये देखो ये अच्छे से हमारे जो रसगुल्ले हैं वो काफी फूल गए हैं, जस्ट डबल हो गए हैं। इसका क्या है कि ये शुगर सिरप इसमें एब्जॉर्ब हो गया है अच्छे से। अब हम करीब 10 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अभी देखो कितने अच्छे से हमारे पूरे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये काफी बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये पक रहे हैं। इसको थोड़ी देर और ढक देंगे। ये टोटल हमें 10 से 12 मिनट मैंने इसको पका रही हूँ मैं। और अभी हम इसको स्लो कर देंगे थोड़ा गैस को और करीब 6 से 8 मिनट में इसको ऐसे बिना लिख के और पका लूंगी। अब ये करीब 6-7 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको गैस बंद कर दी है और ढक के मैंने थोड़ी देर रख दिया है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रसगुल्ला प्रॉपर बना है या नहीं, तो इसके लिए एक बाउल में पानी ले लिया है। ये पूरा डूब गया है, इसका मतलब कि जो हमने शुगर सिरप था इसके अंदर वो पूरा रसगुल्ले के अंदर रस चला गया है। और ये देखो बहुत स्पंजी बन गया है, ये देखो स्पंज इसका नज़र आ रहा है और ये टूट भी नहीं रहा है, तो ये प्रॉपर हमारा रसगुल्ला बन गया है। तो आज की मेरी रेसिपी छेने रसगुल्ले के ऊपर है। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और आप बनाएं और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।